राधे राधे एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। तो आई होप आप सब बढ़िया होंगे। होली बहुत ही इंजॉय किया होगा। मैंने लास्ट कम से कम महीने भर से कोई लॉन्ग वीडियो डाली नहीं है, तो मैंने सोचा इसी सीरीज में, क्योंकि अब जो है हमारे घर में वेस्ट बहुत निकले होंगे क्योंकि बच्चों का न्यू सेशन स्टार्ट हो गया है, तो बहुत सारी वेस्ट चीज़ें निकलती हैं। तो मैं इसी चीज़ को लेकर अगले 10 दिन तक कुछ DIYs करूंगी, DIY चैलेंज, जिसमें हम वेस्ट चीज़ों का यूज़ करेंगे। तो नॉर्मली बेस्ट फ्रॉम वेस्ट फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगी मैं। तो सबके पास अपने अलग अलग तरीके के वेस्ट होंगे। तो आज जो पहला है वो करने वाली हूँ मैं इन आइसक्रीम स्टिक का क्राफ्ट। तो आप सोचोगे आइसक्रीम स्टिक्स कहाँ से वेस्ट आएंगी? नॉर्मली गर्मियाँ आ रही हैं, आइसक्रीम तो हमने बहुत सारी खानी है, और मेरे पास जो वेस्ट आया है वो आया है पिछली गर्मियों का, क्योंकि अभी हमने घर की सफाई की है तो उसमें निकले बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स। तो पहला वही है मेरा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा और लोगों के साथ शेयर करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो नॉर्मली जो फर्स्ट वाला DIY कर रही हूँ, बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स आपको ले लेनी है, जितना बड़ा आपको बनाना है उतना। बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आपने देखा होगा, पिनट्रेस्ट पे भी ये सारी वीडियोस बहुत पड़ी हुई हैं, तो उसी से इंस्पायर्ड होकर मैं ये वाला बना रही हूँ। जो तो इसके लिए आपको जितनी आपके पास आइसक्रीम स्टिक हो सके सब ले लीजिए, और नॉर्मली आप चाहें तो एक्रेलिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं नॉर्मल ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। देन उसके बाद जितना कलर आपको, जितनी कलरफुल आपको बनाना है, रेड, ग्रीन, येलो, जो भी कलर्स करने हैं वो कर लीजिए। उसके बाद कोशिश करिएगा कि डार्क कलर यूज़ करके उस पर डिज़ाइन उकेरिएगा। तो नॉर्मली आपको हर जितने भी आप बना रहे हैं सब पे अलग अलग डिज़ाइन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और तरह तरह के डिजाइन आप बना लीजिए। तो इस तरीके के जो DIYs होते हैं ना, वो एक तो बहुत ही ज्यादा इजी होते हैं, बच्चे भी आपके साथ, क्रिएटिविटी होता है ना कि आप समर ब्रेक लगेंगे, हम लोग एक्स्ट्रा समर की क्लासेस करवाते हैं बच्चों को पेंटिंग, डांसिंग, तो आप इसमें खुद उसमें शामिल हो जाएंगे ना, तो बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मैं करती हूँ तो मेरे साथ साथ मेरी बेटी भी करती है। तो इस तरीके से होता है ना कि आप अपने बच्चों को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, उससे यह होगा कि उनकी भी होता है ना, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, हम कितना पढ़ाएंगे बच्चों को, नॉर्मली बच्चे भी इरिटेट हो जाते हैं नॉन स्टॉप पढ़ते पढ़ते एक जगह बैठे रहने से। तो आप इस तरीके की चीज़ें उनके साथ शेयर करते हो ना, तो स्पेशली मेरा यही है। इसके बाद मैं कुछ और DIY शेयर करूंगी, अभी 10 डे का चैलेंज कर रही हूँ, आफ्टर डैट और चैलेंजेस करूंगी जिसमें समर पे करूंगी कुछ। तो मैंने सोचा है कि इसी तरीके की DIYs करके बच्चों के लिए भी एक तरीके से कहीं ना कहीं क्रिएटिव हो जाते हैं, और हम बड़े तो करते ही करते हैं, तो जब बच्चे आपके साथ इंक्लूड हो जाएंगे ना, तो उनको उनकी छुट्टियों का पता नहीं चलेगा, नई नई चीज़ें सीखेंगे, तो इस तरीके के DIYs बहुत मज़ा आता है। तो मैंने इसमें जितने डिज़ाइन हो चुकी, जितनी भी डिज़ाइन मन कर रहा है वो बना दे रही हूँ। तो आप करिएगा, आपके पास बच्चे हैं, एक है दो है, उनको दे दीजिए, वो अपने हिसाब से इस पर कुछ भी करते रहेंगे, क्योंकि बनने के बाद ही ऑब्वियसली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और छोटी छोटी चीज़ों पर डिज़ाइन बनाना होता है ना, कई बार फाइन नहीं बनाना है हमें, हमसे जैसा मन कर रहा है हम वैसे डिजाइन बना ले। तो लगभग मैंने बहुत सारे डिजाइन बना लिए, हम देख रहे होंगे ये सारी चीजों में। उसके बाद मैं लूंगी एक कार्डबोर्ड, मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने सोचा उसमें भी थोड़ा सा और कर लेते हैं। तो आप कार्डबोर्ड ले लीजिए, या फिर नॉर्मली इसी आइसक्रीम स्टिक से भी उसे स्टिक कर सकते हैं, बट मैं कार्डबोर्ड का यूज कर रही हूं और उस पर इसको स्टिक करूंगी। तो ये भी एक होता है ना, ये एक जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा फन प्रोसेस है, हम करें, हमारे बच्चे करें, किसी भी तरीके की चीजें करने में, एक साथ करने में काफी ज्यादा मजा आता है। उसके बाद मैं फैब्रिक जो फेविकोल होता है उसको भर के यूज करूंगी, ताकि अच्छी तरीके से स्टिक हो जाए। हमें इसे ड्राई होने के लिए कम से कम 1 घंटा छोड़ना है, नहीं ड्राई हो रहा है या नहीं होता है ना, कि कई बार हमें लग रहा है कि हमारी जो आइसक्रीम स्टिक है टेढ़ी मेढ़ी है, तो हम करेंगे क्या, आपके कुछ स्टोन है, कुछ भारी चीज़ है, इस पर रख दीजिए, और 1 घंटे के बाद आप देखेंगे ना बहुत अच्छी तरीके से स्टिक हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने बहुत बड़ा नहीं बनाया, इसे छोटा सा बनाया है। उसके बाद मैं ले रही हूँ कुछ ऊन, जो हमारे जो होते हैं ऊन हमारे पास, उसे इस तरीके से नीचे मैं कोई पॉम्पॉम या कुछ ऐसी चीज़ें ना लगा के सीधा इसे एक तरीके से फ्लोरल डिज़ाइन दे रही हूँ, नॉर्मल सा बना रही हूँ। आप इसकी जगह लेस लगा सकते हैं आपका मन है, तो मैं इस तरीके से इसको लगा रही हूँ, ताकि होता ना कि एक अलग सा लुक आए, सब चीज़ें एक दूसरे को देख के बना के हम कुछ खुद का यूज़ करें दिमाग। उसके बाद उसी कलर के ऊन से मैं इसको स्टिक कर दे रही हूँ, और ये कुछ इस तरीके से रेडी हो गया है, जो काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। अब जो सेकंड DIY करेंगे, अगेन ये हैंगिंग ये भी है, इसमें मैंने कार्डबोर्ड का ज्यादा यूज किया है और आइसक्रीम स्टिक का कम। तो पहले मैंने आइसक्रीम स्टिक को कलर कर लिया है ब्लू कलर से, आप किसी ब्लैक से, किसी भी कलर से कर लीजिए, तो पर उसे थोड़ा सा डार्क कलर का करिएगा तो वो ज्यादा हाईलाइट होगा। उसके बाद मैंने 3 कार्डबोर्ड के पीसेस ले लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग 3, 4, 5 का भी बना सकते हैं। उसके बाद उसको ब्राउन कलर कर लिया है मैंने, आप चाहे तो कोई और कलर कर सकते हैं। इसमें मैं इंडियन आर्ट फॉर्म्स जो होते हैं ना छोटे छोटे से, तो इसमें मैं बना रही हूँ, आप देख रहे होंगे ये वर्ली आर्ट है, ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट फॉर्म बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। मैंने कई वर्ली आर्ट की पेंटिंग बहुत पहले शेयर कर चुकी हैं, बहुत दिनों से की नहीं है, बट मुझे वर्ली पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि इस आर्ट चैलेंज के बाद, नॉर्मली पहले भी किया था मैंने, 2-3 वीडियो बना के रखी हैं, बट होता है ना कि शेयर करने का मुझे टाइम नहीं मिला इंडियन आर्ट फॉर्म्स का, तो वो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूँगी इस चैलेंज के बाद। क्योंकि नॉर्मली क्या है कि मेरी रीच अभी नहीं है, लोग देख रहे हैं बट शायद हो सकता है सब्सक्राइब ना कर रहे हो, उन्हें कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा हो, बट काफ़ी स्लो रीच है लोगों तक मेरी, फिर भी कोशिश कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है अपना घर डेकोरेट करना या पेंटिंग करना, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं मेरे, कुछ क्लाइंट्स बोल लीजिए, कुछ फ्रेंड्स बोल लीजिए, जिन्हें मेरी पेंटिंग्स अच्छी लगती हैं तो वो मुझसे मंगाते रहते हैं, तो वो चीज़ें सोच के मैं यहाँ शेयर करती हूँ, ताकि कुछ तो लोगों को दिखेगा, कुछ लोगों को पसंद आएगा। तो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी करके वीडियोज़ जब भी बनाती हूँ रोज ही डालती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे ये ना एक तरीके से रिलैक्सिंग प्रोसेस लगता है, मुझे अच्छा लगता है, खुद को थोड़ा सा शांति मिलती है, तो इस वजह से मैं ये पेंटिंग्स बनाती हूँ और आपके साथ शेयर करती हूँ।
तो आप देख रहे होंगे इन तीनों में मैंने इंडियन आर्ट फॉर्म ही बनाया है, एक में पिकॉक बना लिया, एक में फिश बना लिया, उसमें मैंने क्या बोलते वर्ली आर्ट बनाया था। तो तीनों को आप अपने अकॉर्डिंग कलर कर लीजिए, कलरफुल रखना है कलरफुल रखिए, ब्लैक रखना है ब्लैक रखिए, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा करिए। बट ओवरऑल ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है, यानी फुल वेस्ट चीज़ें आप देख रहे होंगे, एकदम फुल वेस्ट चीज़ों से मैंने इसको बनाया है और ये देखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो इसमें कुछ होता है ना कि आपको अगर थोड़ा सा इन्हेंस करना है तो कुछ थोड़ा सा उसमें डॉट वाला काम कर लीजिए या कुछ डिज़ाइन दे दीजिए, तो ओवरऑल वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं क्या करूँगी, इन्हें थोड़ी देर ड्राई होने दूंगी। जो आइसक्रीम स्टिक मैंने कलर करके रखी है उस पर भी मैं कुछ डिज़ाइन उकेर दूंगी, होता है ना कि आपको जैसा भी बनाना है। उसके बाद इसको भी थोड़ी देर हमें ड्राई होने देना है। आफ्टर डैट हम इसको स्टिक कर लेंगे उसी कार्डबोर्ड पे चारों तरफ से, ताकि ये अच्छी तरीके से होता है ना कि स्टिक हो जाए। इस तरीके से मैं इसको स्टिक कर लूँगी, मैं आपको शो कर रही हूँ। और इसके बाद स्टिक होने के बाद इसे फिर से अगेन आपको कम से कम हाफ एन आवर के लिए इसे छोड़ देना है, ताकि ये अच्छी तरीके से ड्राई हो जाए। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से टैसल बना लिए थे जैसे हैंग करने के लिए, विद हेल्प ऑफ फेविकोल एंड नॉर्मली हमारा पेपर टेप की हेल्प से मैंने इसको इस तरीके से स्टिक कर लिया है। ओवरऑल ये बनने के बाद कुछ इस तरीके से है। तो आई होप यू लव दिस वीडियो। नए हैं चैनल में तो जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।